हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। भले ही आज सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। सिद्धार्थ और शहनाज गिल की जोड़ी ग्लैमर वर्ल्ड की सबसे क्यूट जोड़ी थी। एक्टर के जाने के बाद भी उनका नाम हमेशा शहनाज गिल के साथ जुड़ता रहता है। जब भी सिद्धार्थ और शहनाज की कोई पुरानी यादें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, तो सिद्धार्थ फैंस की आंखें भर आती हैं। इन दिनों इंटरनेट पर दोनों का एक पुराना वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो सामने आया। वीडियो में शहनाज गिल गोवा में पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं। दोनों अपने दोस्तों के साथ मेरी शोना शोना पर डांस कर रहे हैं। सिद्धार्थ डार्क टी शर्ट में दिख रहे हैं, तो वही शहनाज ने पिंक हुडी पहन रखी है। डांस करते हुए सिद्धार्थ सना को परेशान करते दिख रहे हैं। डांस करते हुए दोनों खूब मस्ती भी कर रहे हैं। उनका ये वीडियो देख फैंस इमोशनल हो रहे हैं। उनके चाहने वाले सिद्धार्थ को बहुत याद कर रहे हैं। बालिका वधू फेम सिद्धार्थ शुक्ला की शहनाज गिल से पहली मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद उनके बीच दोस्ती हुई और फिर वो प्यार में पड़ गए। दोनों ने अपनी केमिस्ट्री से इस कदर लाइमलाइट बटोरी थी कि वे अब तक के सबसे चर्चित कपल्स में से एक है। शो के बाद भी दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा। हालांकि 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनकी जोड़ी टूट गई। सिद्धार्थ के जाने से शहनाज एकदम टूट गई थी। काफी महीने तक वो सदमे में थी, लेकिन अब वो आगे बढ़ रही है और काम पर ध्यान भी दे रही है। स्टार प्लस के मशहूर शो अनुपमा इन दिनों टीवी स्क्रीन पर राज कर रहा है। शो के मौजूदा ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से रूपाली गांगुली का टीवी शो वीकली बार्क रेटिंग्स में टॉप पर रहता है। शो में रूपाली गांगुली लीड रोल अनुपमा का किरदार निभा रही हैं, जबकि गौरव खन्ना उनके पति अनुज की भूमिका में निभाते हैं। इन दिनों ये ट्रैक अनुज के इर्द गिर्द घूमता है, जो छोटी अनु को वक्त न देने के लिए अनुपमा पर गुस्सा निकालते हैं। अनुज हर चीज में बा के दखल से नाराज होगा और अनुपमा को सख्त हिदायत देते हुए छोटी अनु को इन चीजों से दूर रखने की सलाह देगा। वो छोटू अनु को वक्त न देने के लिए अनुपमा पर गुस्सा भी होता है। असहाय अनुपमा टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक अच्छी माँ या पत्नी साबित ना होने के चलते अपने परिवार को तोड़कर रख दिया है। काव्या अनुपमा को अपनी लाइफ में फोकस होने के लिए प्रेरित करेगी और बाकी सब अपनी जगह पर आ जाएगा। काव्या अनुपमा के साथ सहानुभूति रखेगी और समझेगी, क्योंकि वो शाह परिवार के प्रति अनुपमा के कर्तव्य को जानती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या अनुपमा एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरेगी, अनुज और छोटी अनु के बीच कैसे खुद को साबित कर पाएगी, ये देखने के लिए आप लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया के बॉलीवुड गपशप प्रोग्राम के साथ बने रहिए। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मुंबई से बाहर गए हुए हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी क्रिकेटर पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए दुबई में हैं। वही क्रिकेटर ने अपने दुबई ट्रिप का अपडेट देते हुए अपने इंस्टा पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें भी शेयर की है, जिन्हें फैंस काफी लाइक कर रहे हैं। विराट ने अपने इंस्टा पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वो वाइफ अनुष्का के साथ होटल के पूल के पास खड़े हुए सनराइज को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। विराट ने वामिका को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, अनुष्का उनके पास में खड़ी हुई नजर आ रही है। फैमिली फोटो शेयर करते हुए विराट ने कैप्शन में लिखा है 2022 के लास्ट सनराइज तक। उन्होंने कैप्शन में एक रेड हार्ट वाला इमोजी भी पोस्ट किया है। फैंस विराट की तस्वीरों पर जमकर लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक फैन ने उनके पोस्ट पर कमेंट किया बेस्ट कपल एवर। एक अन्य ने विराट और अनुष्का की पारिवारिक तस्वीर के कमेंट सेशन में कपल गोल। वहीं एक अन्य ने लिखा आपने हमारी 2022 की आखिरी सुबह स्पेशल कर दी है। वाकई विराट अनुष्का को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं। और एक बार फिर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, आप खूब इंजॉय करिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड गपशप में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।